दिस वॉज माई बचपन का बिगेस्ट ड्रीम एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस विद यू दैट आई कांट एक्सप्रेस इट एनफ. वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एंड मॉन्यूमेंटल डे क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स को मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट देने जाने वाली हूँ. इमोशनल थिंग्स असाइड वो सब तो चलते रहता है अंदर अंदर. देयर इज अ लॉट ऑफ नाइस थिंग्स दैट वी हैव डन फॉर ईच अदर बट आई एम गिफ्टिंग माय पेरेंट्स अ कार व्हिच इज यू विल सी द कार. चलो वो सरप्राइज रखते थोड़ा सा. तो कार की डिलीवरी आज हमें मिल रही है फाइनली. एक महीने पहले बुक करी थी. आई टेल यू एवरीथिंग बट इन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. फर्स्ट आई नीड टू गेट रेडी क्योंकि अभी भी मैं घर के कपड़ों में हूँ. सो अभी लिटरली वी आर सपोज टू लीव. लंच भी बाकी है. आई एम गोना पैक माय लंच बट लेट मी क्विकली गेट रेडी फर्स्ट. सो माय डैड इज अ कार फ्रीक. ही लर्न ड्राइविंग व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड एंड एवर सिंस देन उनको गाड़ियों से बहुत प्यार है. ऑन मोस्ट डेज व्हेन ऐसा कुछ स्पेशल होता है माय लीस्ट फोकस इज ऑन मेकअप आउटफिट एंड एवरीथिंग. आई एम लाइक आई वांट टू बी इन द मोमेंट. सो आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस अ लॉन्ग टाइम अगो. आई डोंट हैव द रिएक्शंस. इट वाज अ वेरी पर्सनल मोमेंट. तो तब मैंने व्लॉग तो नहीं किया था बट मेरे पापा की कार इज अराउंड 6.5 इयर्स ओल्ड एट दिस पॉइंट. ही ड्राइव्स अ टोयोटा कोरोला ऑल्टिस. आई नेम्ड हर स्नोवी. यू नो हर. यू मेट हर. एंड ही वॉन्टेड टू स्विच इट बट वी वर्न्ट एग्जैक्टली इन अ बजट जहाँ पे हम इससे बेटर कार लें. एंड पापा यूजली अपग्रेड ही करना प्रेफर करते हैं अनलेस द कार इज रियली बैड. एंड पापा की कार इतनी वेल मेंटेन होती है कि आप बोल ही नहीं सकते थे कि वो इतनी पुरानी थी. तो वो चला रहे थे. एंड आई वॉज इन अ पोजिशन टू बी एबल टू गिफ्ट हिम अ कार विच इज मोर विच इज बेटर देन दैट बेसिकली. तो जब भी वो सोचते थे कि हेली मैं ले लूँ क्या इफ आई टेक इट ऑन अ लोन वी मैनेज इट. And I was like, नहीं लेना. बिकॉज यू नो वैन यू डिसाइड सम वन की यू वॉन्ट टू गिफ्ट दैम समथिंग और फिर वो खुद ही वो चीज़ लेने की बात करते तो कैसे हम पैनिक हो जाते कि नहीं ये मुझे गिफ्ट करना है. तो आई कैप टेलिंग हम लोग कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है. ये कार अच्छी ही नहीं है. जो कार मुझे भी पसंद थी और जैसे कि बिल्कुल अच्छी कार नहीं है लेने जैसी ही नहीं है. हम निकल गए हैं. इट्स अ फुल हाउस. इट्स एन एक्साइटमेंट. यस. हाय. आवर फर्स्ट कार वाज अ फियाट. Obviously, every 90s kid ka to wahi tha. And then an Indica, then a Honda City. It had been serviced for so many times. Lakhs of rupees ja chuke the us car mein. And it was still just not getting repaired. But woh kheech rahe the. Then mom was like, let's just browse cars and start saving up for the car accordingly. And then they came across this car called Harrier. Now, Harrier was a new launch by Tata. And usme Range Rover ka chassis tha. Because Tata has a merger with a lot of luxury car brands. Snowy again. I'll tell you why we've named her the same. But oh my god. She's huge. मशीन है वो ऑन कर देना. तो क्या होगा ये जो टायर सीलेंट है आपका पंक्चर पॉइंट से आपका टायर सील करेगा. ये आप कह सकते हैं
ये ओपन कर दिया इतना से ऐसे एंड देन सिर्फ प्लग इन करना है यहाँ से ओके दैट्स इट बेसिकली रेनी सीजन में आपको ये यूज करना है ज्यादा अगर रोड स्लिपरी रहेगा दिस इज वेट मोड एंड दिस इज रफ मोड ठीक है सिटी बाय डिफॉल्ट सेट है अंकल वो इधर से आएगा सिटी वाला जो सर्कल है ना ये नहीं नहीं वो सिटी मोड वाला तो इधर है ना सर्कल से बाय डिफॉल्ट सेट ही सिटी है हां बाय डिफॉल्ट सेट ही रहेगा अगर यहां से चेंज करोगे ना अपन भिवंडी जाते ना तो रफ वाले में डालना पड़ेगा आप हमारी फैक्ट्री में जाते तब किसमें रखोगे सिटी में रखोगे या रफ में रखोगे हालांकि बात नहीं है इसमें तो एकदम खराब हो गया था इससे हम लोगों का फॉर्मूला ही चलता है उधर क्या है हमारा 500 गाड़ी थी 500 टन इंसान को कुछ नहीं एक बार ट्रक को ठोका ट्रक को ज्यादा नुकसान हुआ ना और फॉर्च्यूनर को कम नुकसान हुआ अभी आपको आगे उधर ही आना है उसमें जो बटन है वो इज दैट फॉर एक्टिवेटिंग द सेंसर्स द मिरर मैंने तो एक बार आपका चेकअप करा इस पे सारा ट्यूटोरियल सीख लिया डेमो ले लिया अब हम फर्स्ट ड्राइव करने जाएंगे मैं चलाऊंगी क्योंकि लगता है वो चलाना चाहिए ऐसे मैंने सीखा है और अच्छा लग रहा है अंदर आ जाओ अंदर आ जाए हाँ। मैं तो पीछे से आऊंगी ना आ जाओ तू आप बताओ इधर स्पेस है तो हैंडल क्यों नहीं दिया आपका इधर देखो है पीछे भी आपके साइड पे है तो मेरे साइड पे क्यों नहीं है मुझे तो चला के बहुत मजा आया अभी कुमार चलाएगा मेरे को क्वेश्चन है कि अभी अगर तेरे से गाड़ी रुका रहता तो पापा तेरे को डांटते कि नहीं डांटते सपोज एयर अगर भूलती कुमार ने गाड़ी ठोकाई हुई हो तो आप उसको चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते ये तो झूठ है झूठ है ये ड्राइविंग टेस्ट भी अगर तूने बर्फ से नहीं चलाया था तो भी तो अभी पड़ी ना मेरे को 10 गाली कि स्लो चलाओ ब्रेक एक क्रॉस के टाइम पे बोला हाँ वो मन करता है कि लुई विटों के बैग्स ले या लग्जरी आइटम्स ले 25 लाख रुपीज इज लाइक 25 लुई विटॉन्स ऑलमोस्ट तो It was a decision that I want to make at that time ki I want to gift my parents something first and then spend that kind of money on myself. So, I made that call but I did not tell them. Main unko nahi bola. I just wanted to make sure ki they really want that car only and that's why we waited for a bit. And then mom and dad would keep talking about it ki aur kitna time lagega Harrier laane mein and dad would be like, let's go and check the finances. That's when I finally told them that this is what I would like to do. I'd love to get it for you. And dad was like, nahi nahi, main aise nahi le sakta. Because you're a daughter. And I'm like, wait, ye logic sahi nahi hai. Ye beta beti mein bhedbhav is not what this generation is. Because they've never treated me differently because I'm a daughter, right? They always encouraged me to work and get married only when I want to, get settled when I feel like. तो ये वाला क्यों एंड मम्मा और मेरे बहुत समझाने के बाद डैड इज लाइक ओके एंड वी वेंट टू बुक द कार दैट फीलिंग लाइक साइनिंग ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स इट वॉज आई कुड नॉट बिलीव कि यार ये हो रहा है आई एम एबल टू डू दिस एंड
yeah, we booked the car and in a month and a half it came. It's just such a good freaking car. मेरे पापा को ऐसे भी बहुत टाइम से जीती, बट मेरी मम्मी को यूजली जमती नहीं है because she has nausea issue. अगर SUVs में थोड़ा bounce भी ज़्यादा होता है ना, sedans are more basically lower ground clearance cars, so फ़र्क पड़ जाता है. But she was comfortable in a Harrier as well, so it came, we took the first drive, the entire process is also so nice. The people at the showroom, big shout out to Vasan Motors, they were amazing. There was like a photo session and there was a beautiful cake. We got the delivery, they explained everything, and the best part is the panoramic sunroof. This is our first car which has a sunroof and it's massive. Usually wo sab luxury cars mein aata hai. So but basically this entire emotion of getting to do this for my parents was the biggest thing. मेरा bucket list कैसा था पता, कि सबसे पहले मैं चाहती थी कि पापा को financial independence मिले from whatever loans we had and from any other debt. So we did all of that together as a family first. And I didn't want him to feel like I'm a male, so I have to run the family and have that pressure. So we did that. We took it off of him the very first thing. Then the second thing was to settle my business, to get a different place if I needed that, and to get good equipment. I got my camera after that and everything else that was required, good furniture, nice setups, good decor. And then I wanted to fulfill my parents' ka bucket list and then put on my bucket list. So this is, and then now saving for the wedding. That's what's next on the plan. But thank you so much for sticking through us, because you're also a part of our family. Family, that's what our name is together. So, changing the gears now, taking position of Harrier from Delhi.